बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। डिस्टेंस रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों के अनाउंस हो गई हैं, इंटरनेट से आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप आपको घर इस दफ़ा जो है बहुत लेट मिलेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 10 अक्टूबर से आप लोगों के पेपर शुरू होने हैं। तो आप बेहतर है कि इंटरनेट से अपनी डाउनलोड कर लें रोल नंबर स्लिप, और उस रोल नंबर स्लिप को जो है निकाल लें। स्पेशल एग्ज़ाम्स वालों के लिए जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं भेजा था, मतलब जिनके रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ आया था कि अपेयर इन स्पेशल एग्ज़ाम, उन बच्चों की रोल नंबर स्लिप्स अनाउंस हो गई हैं। बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स की रोल नंबर स्लिप। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में आ जाना है। गूगल में आके यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी बोर्ड है। तो हम 22 लाहौर जो है उसकी चेक करना चाह रहे हैं, तो हम 22 लाहौर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 22 लाहौर लिखने के बाद वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इस वेबसाइट पे जो है आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मेन साइट जो है लाहौर बोर्ड की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे, वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ से आपने रोल नंबर स्लिप चेक करनी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है काम, और आपने यहाँ से आगे वीडियो को सही देखना है, कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा होगा कि ये वाला नोटिफिकेशन, मैं थोड़ा सा जूम आपको करके दिखा देता हूँ। गेट इंटर एनुअल एग्जामिनेशन 2020 रोल नंबर स्लिप प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट बच्चे ही हैं जाहिर सी बात है, जिनका अब एडमिशन गया है, मतलब जिन्होंने अब स्लिप वगैरह चेक करनी, वो तकरीबन सारे प्राइवेट हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक मसला है भाई, ये आ जाता है। तो इसका आपने क्या करना है, आप क्या करते हैं, बैक टू सेफ्टी की तरफ जा सकते हैं, एडवांस की तरफ जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एडवांस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करना है और हाइड एडवांस इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला प्रोसीड पे जो है क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो गया, जहाँ आपने अपना एक तो फॉर्म नंबर इंटर करना है, जो आपने एडमिशन भिजवाया है ना, अब उसके मुताबिक आप जिन बच्चों ने भिजवाया है वो अब का फॉर्म नंबर इंटर करेंगे, और जिन बच्चों ने पहले भिजवाया था, मतलब एक बच्चे की 3 सैंपलें आ गई थी, उसने पहले काफ़ी दिन पहले एडमिशन भिजवाया होगा, वो फॉर्म नंबर आपको रसीद वापस मिली होगी, वो फॉर्म नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। और आप जो है पुराना जो आपका रोल नंबर था फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, लास्ट टाइम जो भी आपने पेपर दिए थे, वो रोल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। सेकंड ईयर का रोल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे तो सर्च रोल नंबर स्लिप पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे सर्च रोल नंबर स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप निकल आएगी। तो ये तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार से आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और बोर्ड की भी हम चेक करके बताएं, तो आपने नीचे कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स में बताना है मुझे किस बोर्ड की आप चेक करवाना चाहते हैं, उस बोर्ड की वेबसाइट पर जो है हम चेक करने का तरीका बता देंगे। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है रोल नंबर स्लिप चेक करने का, क्योंकि इस दफ़ा बच्चों को समझ नहीं आ रही कुछ भी। तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं आप उस बोर्ड का नाम नीचे मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो चेक करने का तरीका आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।